हाय फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल एडिट फॉर यू। सो आज के इस वीडियो में जानेंगे आप इस तरह की रक्षाबंधन स्टार्टर्स वीडियो कैसे बना सकते हैं लाइट मोशन एप्लीकेशन को यूज करके। तो इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह की स्टार्टर्स वीडियो बनाने के लिए पहले आपको मोबाइल में लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्लस आइकन जाने के बाद आपके जैसे 9:16 रेशियो सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना। इस तरह कुछ इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको ऐड करना है सॉन्ग। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए प्लस आइकन जाना है। ऑडियो में आप सॉन्ग ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इमेज एंड वीडियो में जाके कोई भी सॉन्ग आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये वाला सॉन्ग चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम में, उधर से आपको वीडियो को सेव करना है। उसके बाद ऐड करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना है। इस तरह की जो सॉन्ग है आ जाएगा। उसके बाद आपको इधर से स्टार्टिंग में आना है। आने के बाद प्लस आइकन जाना है, इमेज एंड वीडियो जाना है। आपको एक बैकग्राउंड का इमेज मिल जाएगा। जो भी मैं मटेरियल यूज़ किया हूँ आपको दे दूंगा लिंक, उसको आपको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की आपको मिल जाएगा। 3 डॉट में जाके फिल स्किन करना है, जो कि इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको इधर से एंड तक जाना है, इमेज को भी एंड तक ले लेना है। उसके बाद स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद प्लस आइकन जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। जाने के बाद आपको एक PNG मिलेगा, वो PNG को आपको ऐड कर लेना है। तो इधर से मैं ऐड कर लेता हूँ। इस तरह मोबाइल ट्रांसफर जाना है। जाने के बाद ऊपर आपको अच्छी तरह से उसको एडजस्ट कर लेना है पहले स्ट्रेट। उसके बाद साइज़ में जाके दोनों साइड में आपको अच्छी तरह से बराबर से सेट कर लेना है। तो इस तरह आपको कर लेना, जो कि देख सकते हैं हो गया। उसके बाद एंड तक जाना है, उसको भी आपको एंड तक ले लेना है। फिर से आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस आइकन जाना है, इमेज एंड वीडियो जाना है। जाने के बाद आपको राखी का PNG 2 मिलेगा इस तरह की, उसको ऐड करना है। साइज में जाके उसको थोड़ा छोटा आपको जैसे कर लेना है। छोटा करने के बाद ये साइड में आपको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है एक साइड में। फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, डुप्लीकेट लेयर करना है। एक लेयर को खींच के इस तरह आपको स्लाइड ले आना है। रोटेशन में जाके उसको थोड़ा इस तरह रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद उसको आपको ये साइड में अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। परफेक्टली आपको देख के एडजस्ट करना है। देख सकते हैं दो साइड में दो राखी आपको रख लेना है। उसके बाद एंड तक जाके दो राखी आपने जो ऐड किया था उसको भी आपको एंड लेयर को एंड तक ले लेना है, जो कि इस तरह आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको ऐड करना है, जो कि एक PNG बीच में आपको ऐड करना है। तो उसके लिए प्लस आइकन जाना है, इमेज एंड वीडियो जाना है। जो PNG है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वो भी इसको इस तरह आपको ऐड कर लेना है। साइज़ में जाके उसका जो साइज़ है थोड़ा आपको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको ऊपर थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, इधर से आपको एडजस्ट कर लेना है परफेक्टली बीच में इस तरह करके एडजस्ट करना है। उसको भी आपको एंड तक जाके उसको भी एंड तक ले लेना है। देख सकते हैं आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको एक ब्रदर लव सिस्टर आपको एक PNG मिलेगा, उसको भी आपको ऐड करना है। तो प्लस आइकन जाना है, उसका भी PNG आपको मिल जाएगा। उसको आपको ऐड करके आपको ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो ये सेट हो गया, उसको भी एंड तक जाके उसको भी आपको एंड तक ले लेना है। उसके बाद हमको इधर से नीचे ऐड करना है ब्रदर एंड सिस्टर जो PNG है ऐड करना है। तो स्टार्टिंग में आना है, प्लस आइकन जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। PNG का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको ऐड कर लेना है। मोबाइल ट्रांसफर जाना है, जाने पर नीचे थोड़ा आपको ले आना इस तरह करके। उसका जो PNG उसके ऊपर क्लिक करना है। बॉर्डर एंड शेडो में जाना है, शेडो में जाके शेडो को ऑन कर लेना। इस तरह साइड में एक ब्लैक कलर दिखाई देगा, उसको थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, जो कि 7 रख लेना है। उसके नीचे आना है, जो पोजीशन है 1-1 कर लेना है, एक्स को 1 और वाई को भी इधर से 1 सिलेक्ट करना है, जो कि इस तरह PNG आपको 1 जो कि देखने मिले। उसके बाद एंड तक जाना है, उसको भी आपको एंड तक ले लेना है। उसके बाद हमको क्या करना है, जो PNG आपने ऐड किया था थोड़ा उसको आपको बड़ा कर लेना है। उसके बाद मूव ऑन ट्रांसफर जाना है, जाने नीचे ले आने। लेने के बाद साइड में आपको अच्छी तरह से इतना साइड में आपको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, PNG के ऊपर क्लिक करना है, मूव ऑन ट्रांसफर जाना है। जाने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है, थोड़ा दूर छोड़ के आपको एक प्लस आइकन देना है। देने के बाद इसको स्लाइड करके इतना आपको ले आना है, इतना आपको ले आना है। फिर से एंड तक जाना है, प्लस आइकन देना है। इस तरह स्लाइड करके पूरा स्ट्रेटली अंदर आपको ले लेना है, इतना आपको अंदर ले लेना है। तो हो गया, देख सकते हैं। तो इस तरह आएगा, जब भी हमारा पेल आएगा इस तरह स्पीड में आएगा, उसके बाद स्लो में आएगा, देख सकते हैं। तो उसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, मूव ऑन ट्रांसफर जाना है। ये दो की के बीच में आना है, कॉर में जाना है, इसको इस तरह ऊपर और इसको इस तरह ऊपर इतना आपको रखना है, जो कि ये थोड़ा स्मूथ बन जाएगा, देख सकते हैं इस तरह स्मूथ। सो उसके बाद हमको इधर से लिखना है रक्षाबंधन। तो स्टार्टिंग में आना है, प्लस आइकन जाना है, टेक्स्ट जाना है, जो भी अपने रक्षाबंधन आपको इधर से लिख लेना है। उसको आपको बीच में अलाइन कर लेना है। फॉन्ट में जाके ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइज आपको जैसे 32 PT का लेना है। उसका राइट क्लिक करना है, उसका जो रक्षाबंधन आपने लिखा उसको आपको ऊपर अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। उसके ऊपर क्लिक करना है, एडिट में जाके आप उसको एक लाइन में कर लेना है। उसके बाद कलर एंड फिल में जाना है, ग्रेडियंट में जाना है। ये जो ब्लैक कलर है आपको स्काई ब्लू वाला सिलेक्ट कर लेना है, तो इस तरह आ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, बॉर्डर एंड शेडो में जाना है। शेडो में जाके शेडो को थोड़ा ऑन कर लेना है, जो कि इस तरह कुछ देखने मिलेगा। साइज को थोड़ा आपको जैसे 8 रख लेना है।
उसके बाद आपको एंड तक जाना है, उसको भी आपको एंड तक ले लेना है। उसको उसके बाद हमको क्या करना है, उसमें हमको वेव वार्प वाला जो इफेक्ट ऐड करना है उसको थोड़ा ऊपर ले लेना है। तो इसके लिए इसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना, ऐड इफेक्ट में जाना है, इधर से आपको सोर्स करना है वेव वार्प, इसको सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, जो स्पेसिंग दिखाई दे रहा है 20 है, इधर से आपको डिक्रीज करके सॉरी आपको जैसे 14% जो कि रख लेना है, इतना आपको रख लेना है। उसके बाद मैग्नीट्यूड जो 4 है आपको जैसे 2.2 आपको जैसे रख लेना है। उसके बाद ऊपर आना है, आने के बाद जो फेज है फेज के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्टिंग में एक प्लस आइकन, उसके बाद एंडिंग में जाके एक प्लस आइकन देना है। देने के बाद फेज को इस तरह इंक्रीज करके परफेक्टली 8 आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। तो इधर से मैं कर लेता हूँ 8 आपको इधर से रख लेना है। तो इतना आपको रख लेना है, देख सकते हैं इस तरह कुछ वेव इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। देख सकते हैं ये ऐड हो गया। लास्ट में हमको ऐड करना है जो कि एक पर्टिकल्स वीडियो, तो स्टार्टिंग में आना है, प्लस आइकन जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। जाने के बाद आपको पर्टिकल्स वीडियो जो है उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पहले उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको आपको ऐड कर लेना है। तो जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड करने के बाद इस तरह कुछ देखने में मिलेगा। उसके बाद आपको ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाना है, लाइट एंड में जाके उसको स्क्रीन कर लेना है, जो कि इस तरह स्क्रीन हो जाएगा। देख सकते हैं इधर से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस तरह की पर्टिकल्स वीडियो जो कि देखने मिले, बहुत ही अच्छी तरह से हमारा इधर से स्टेटस बन गया। उसके बाद आपको एंड तक आना है, आने के बाद जो वीडियो का पार्ट है आपको जैसे 22 सेकंड तक, बाकी का जो पार्ट है पर्टिकल्स का उसको आपको जैसे ट्रिम कर लेना। तो फाइनली देख सकते हैं इधर से हमारा जो कि वीडियो कम्प्लीट हो गया। तो वीडियो को आपको सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको इधर से शेयर ऑप्शन जाना है, वीडियो को फुल HD में क्वालिटी आपको फुल रख के इधर से एक्सपोर्ट कर लेना है।